साइबर हैकिंग के जरिए लाखों रुपए कमाने के मामले में जेल डीजी अरविंद कुमार ने दी दो जेलर समेत एक सिपाही को जेल मुख्यालय अटैच कर दिया। आपको बता दें, जेलर संतोष लाड़िया, जेलर सुरेश कुमार गोयल और सिपाही धर्मेंद्र नागदेव हैं। राज्य साइबर पुलिस की जांच पूरी होने तक यह तीनों जेल मुख्यालय में ही अटैच रहेंगे। जेल डीजी ने आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर सिलवानी से है, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट दो के तहत गांव में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में 150 पात्र महिलाओं को 150 गैस कनेक्शन वितरित किए गए। आपको बता दें, बमहोर गांव में आयोजित किए गए गैस वितरण कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक पटेल, विजय शुक्ला ने 90 महिलाओं को गैस कनेक्शन व आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इसके अतिरिक्त अंचल के गांव जैतपुर, पठा व बरखेड़ी में भी गैस कनेक्शन वितरित किए जाने को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी की विशेष उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। खबर साहिबगंज से है, जहां मुफसील थाना क्षेत्र के कोदर जन्ना मोड़ के पास तेज रफ्तार ओवरलोड वाहन का भयानक कहर बरपाया, जिसकी चपेट में आकर 12 वर्षीय युवक लक्ष्मण मंडल की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दोषी वाहन चालक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने व उचित मुआवजे की मांग की है। इधर पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए वाहन चालक को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं दर्दनाक हादसे में के बाद मृतक परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है। अगली खबर अनूपपुर से है, जहां जिले में 48 दिन बाद दो कोरोना के मरीज फिर पाए गए। आपको बता दें, जिले के जैतहरी थाना अंतर्गत ग्राम सिवनी में पिता और पुत्री में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 21 जून को कोरोना का एक प्रकरण सामने आया था, जिसके बाद यह संख्या शून्य पर स्थिर रही। उसके बाद 28 सितंबर को एक बार फिर कोरोना के मरीज मिले और अब 10 नवंबर को दो मरीजों में कोरोना की संक्रमण की पुष्टि फिर से हुई है। ये दो मरीज, इनका 9 तारीख को टेस्ट हुआ था आरटीपीसीआर, जो 10 तारीख को पॉजिटिव है। इनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो बिलासपुर से, जो उसमें महिला है आई थी, जहां से आई थी वहां इनके घर में कोविड पॉजिटिव मरीज थे, उनके संपर्क में थी। वहां से आने के बाद इनके पिताजी और परिवार के लोग संपर्क में आए। इनके परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें से टेस्ट हुआ था तो 2 लोग पॉजिटिव आए। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस ने मॉडल युवतियों के बोल्ड फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करने वाले पुणे निवासी विघ्नेश शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी ने मॉडलिंग की फर्जी कंपनी बनाकर रखी थी और वह लड़कियों को सिलेक्शन का लालच देता था। आरोपी उन्हीं को लड़के लड़कियों को टारगेट करता था जिन्हें मॉडलिंग में रुचि होती थी। आरोपी की नजर लड़के व लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रहती थी और वह इसी के जरिए उनसे संपर्क करता था और इसी के जरिए बोल्ड वीडियो और फोटो मंगवाता था। इसके लिए उसने राइजिंग ब्रांड स्टार्स इन्फ्लुएंसर मॉडलिंग के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी बनाया था। इंस्टाग्राम आईडी एक्टिविटी थी जिसपे ये इनवाइट करते थे बच्चियों को कि जिनको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंदौर की एक बच्ची ने उसमें अपने फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर किए होंगे। आजकल जो लड़के लड़कियां मॉडलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो अपना ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं, तो एक व्यक्ति ने इस तरीके का झांसा देकर कोई कंपनी बनाई और उसमें फिर किसी बच्ची को झांसा देकर अट्रैक्ट किया। क्योंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ शटडाउन हो गया था तो उस तरीके की गतिविधियां भी बंद थी। बाद में उस बच्ची को संज्ञान में आया कि जो पिक्चर्स उसने मॉडलिंग के लिए दिए हैं किसी कंसर्न कंपनी को, वही उसके पिक्चर्स जो है वो शेयर हो रहे हैं उसके इंस्टाग्राम आईडी पे। तो उसने संपर्क किया तो वो दबाव बनाने लगे कि आप उसमें पैसे जमा करिए, अदरवाइज ये फोटो वायरल हो जाएंगे और इन फोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो मामला साइबर पुलिस के संज्ञान। खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।
2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद स्पर्धा का